सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विवाह अनुदान योजना की धज्जियां उड़ाते नवाबगंज ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने फर्जी शादियां कराकर विवाह अनुदान की राशि हड़प ली। विवाह अनुदान योजना में गरीब परिवार वालों की लड़कियों के शादी के लिए राज्य सरकार की ओर अनुदान दिया जाता है। दरअसल सूबे में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद योगी सरकार ने गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए विवाह अनुदान योजना लागू कर दी। वहीं बरेली के नवाबगंज ब्लॉक में अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ मिलकर अपने मिलने वाले 55 जोड़ों का फर्जी विवाह कराकर अनुदान राशि हड़प ली। इन 55 जोड़ों में वो लोग भी शामिल थे जिनके जरिए सेनबाबगंज ब्लॉक के अधिकारियों का खर्चा चलता है। मामला जब खुला, जब स्थानीय पत्रकार की टीम नवाबगंज के फाजिलपुर गांव में पहुंची तो सामने चौंकाने वाला मामला आया। 14 नवंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो विवाह कराए गए थे, कितने लोगों के विवाह कराए गए थे? रजिस्ट्रेशन तो लगभग 70 के समथिंग हुए थे, लेकिन मौजूदा हालत में जो आए थे वो 40-42 के आसपास रही होगी संख्या। आवेदन जिस समय हुए थे उसके बाद कोई जांच हुई थी? हाँ, ऐसा सुना जा रहा है कि 2-3 गांव में सचिवों ने मिलकर के कुछ गलत शादियां करा दी हैं, उसकी जांच भी चल रही है और ये माननीय विधायक जी के भी संज्ञान में मामला है बताया है हमने। कब से जाँच चल रही है? ये लगभग 3-4 दिन पहले हमको पता चला। किस तरह की गलत शादियाँ हुई? ऐसा बताते हैं कि कुछ 2-1 नाबालिग बच्चियों की शादी करा दी गई है। ऐसा ही एक मामला संज्ञान में आया है, जो कि 2 साल या 3 साल पहले जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं ऑलरेडी उनकी शादियाँ कराई गई हैं। हाँ, इस तरह की अभी तक मामला मेरे केवल कथित रूप से सामने आया है। जब देखूँगा तो जिस व्यक्ति जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम डीएम साहब और सीडीओ साहब से कह के करें। आवेदन के समय बीडीओ साहब के माध्यम से जो जांच कराई, इसमें बीडीओ साहब और एडीओ साहब और सचिव और तीनों लोगों का इंटरफेयर रहता है, और मैं समझता हूँ कि इन लोगों को देख रेख के इनकी देख करके ही इनको सही तो शादियों के आवेदन को स्वीकृत करना चाहिए। तो इसमें कोई कार्रवाई होगी? 100% नवाबगंज में अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कुछ विवाह कराए गए थे, लगभग कितने विवाह हुए थे? एक शिकायत आई थी नवाबगंज ब्लॉक के फाजिलपुर में, जो कि है फर्जी विवाह का मामला जो सामने आया, क्या है उसको जाँच करा रहे हैं? जांच चल रही है। तो क्या शिकायत आई है अब तक, क्या पाया गया? कोई जांच आ जाने दीजिए, उसको नोटिस दिया गया है ना, जिसने शिकायत करता था जी, उसको नोटिस। क्या शिकायत हुई थी? अब उसका कहना है कि नाबालिग लोगों का विवाह किया है जी, उसको जांच प्रूफ दे कहते नाबालिग लोगों का शादी विवाह। तो कब से जांच चल रही है? 2 दिन हुआ पहले। क्या लगता है आपको इसमें जो विवाह कराए गए, इससे पहले जो सर्वे भी हुई होगी इससे पहले, तो उस सर्वे में क्या था? नहीं, सभी लोग पाक थे, सभी पात्र थे, डॉक्यूमेंट्स लगे हैं ऐसे। अच्छा, आपका मानना है कोई जो है फर्जी विवाह नहीं हुआ? अब तक सामने आ रहे तभी तो मालूम हो क्या है उसका कहना है।